और एक अच्छी वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हुआ है मतलब एक पेज की ऑडियंस तक कैसे लेके जानी है किस तरह आपने वो इस पेज पे भी व्यूज ले सके इस पेज को भी रिकमेंडेशन में भेज सके तो आज की इस वीडियो में आपको फेसबुक पेज मर्ज करने का तरीका बताऊंगा इसके बेनिफिट बताऊंगा इसके नुकसान बताऊंगा और सारी चीजें

आपने कोई भी फेसबुक पेज मर्ज करना है तो यहाँ पे आपके सामने मैंने फेसबुक पेज ओपन कर लिया है अब इसको मर्ज करने से पहले आपने क्या करना है चंद इसकी सेटिंग्स वगैरह करनी है जिसकी वजह से एक पेज दूसरे पेज में मर्ज हो जाएगा ठीक है तो सबसे पहले आपने क्या करना है जिस पेज के अंदर दूसरा पेज मर्ज करना है ना उसकी कैटेगरी आपने देख लेनी है तो यहाँ पे ये यह चेक कर ले इसकी जो कैटेगरी है वो आपके सामने है मैंने इसकी नोट कर लिया अब मैं क्या करूंगा मैं जिस पेज को मर्ज करना चाहता हूं ना उसको ऑन कर लूंगा तो यहाँ पे ये देखें ये हमारे पास एक पेज है जिसके ऊपर मैं मतलब आज ना मतलब मर्ज करूंगा ठीक

और यहां पे जाके हम इसकी एडिट में जाके इसकी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं अगर आप पीसी में ये मतलब पेजेस को यूज कर रहे हैं तो पीसी में भी सेम मेथड है सेम वहां पे जाके आप इसकी मतलब जो कैटेगरी ना वो चेंज कर लेते हैं तो हमने इसकी कैटेगरी चेंज कर ली है अब हमें जरूरत है इस पेज के नाम को चेंज करने की क्योंकि जिस पेज के अंदर हमने मतलब इस पेज को मर्ज करना है ना उसका नाम कुछ और था तो सिंपल मैं क्या करूंगा मैं इसकी सेटिंग ओपन कर लूंगा और सेटिंग ओपन करने के बाद वहां पर जाके सर्च करूंगा नाम तो यहां पर मैं नेम टाइप कर देता हूं जैसे मैं नेम ना तो इस सेटिंग के अंदर जो भी मतलब नेम नाम का सेक्शन होगा वो मेरे सामने आ जाएगा ये देखें अगर आपको भी कोई फेसबुक की सेटिंग नहीं मिलती तो आप यहाँ पे आके सर्च किया करें आपको वो मिल जाए करेगी तो यहाँ पे नेम के अंदर अब हमने इसका नेम चेंज करना है याद रहे कि एक पेज का नाम आप दूसरे पेज के नाम की तरह रख सकते हो कोई भी फेसबुक प्रॉब्लम नहीं करेगी लेकिन अगर आप ज्यादा पेजेस का नाम सेम रखोगे ना तो फेसबुक फिर आपको प्रॉब्लम देगी ठीक है तो यहाँ पे ये हमने नाम भी इसका लिख लिया अब यहाँ पे नीचे हम करेंगे रिक्वेस्ट है रिव्यू और यहाँ पे अपना पासवर्ड लगा देंगे पासवर्ड लगाने के बाद हम यहां पे ओके कर

इसको करने का। तो उसका भी दो तरीके हैं एक तो ये है कि आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आप जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने वो ऑप्शन आ जाएगी लेकिन अगर आप मतलब खुद से ज्यादा दफा ट्राई करना चाहते हैं तो सिंपल आपने क्या करना है उस पेज को ओपन करना है जिस पेज के अंदर आपने पेज को भी मर्ज करना है और उसकी आपने चले जाना है सेटिंग में तो ये पेज मैं रखना चाहता हूँ और इसी पेज की मैं सेटिंग के अंदर आ जाता हूँ सेटिंग में आने के बाद अब आपको क्या करना है यहाँ पे आपने हेल्प एंड स्पोर्ट पे क्लिक कर देना है जैसे आप हेल्प एंड स्पोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको एक सर्च बार का ऑप्शन नज़र आ जाएगा आपने यहाँ पे लिखना है मर्ज जैसे आप मर्ज लिखेंगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इन्फॉमेशन आ जाएगी यहाँ पर आप किसी के ऊपर भी क्लिक कर लें जिनके ऊपर लिखा हुआ है कि आप कोई भी चीज़ मर्ज कर सकते हैं तो आपके सामने वो आर्टिकल आ जाएगा जिसके अंदर इसके लिंक्स पड़े हुए हैं तो यहाँ पे देखें कुछ इस तरह के लिंक्स आ गया आप ब्लू कलर का जो ऑप्शन है ना आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना रिक्वेस्ट इन मतलब चेंज ठीक है तो आप जैसी उसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा मतलब वो आपके सामने वो ऑप्शन आ जाएगा जिसके अंदर आपने पेजेस को मर्ज करना है याद रहे कि पेजेस को मर्ज करते वक्त आप प्रोफाइल टू प्रोफाइल और क्लासिक टू तो क्लासिक पेज मतलब अगर आपका पेज क्लासिक है तो क्लासिक में मर्ज होगा अगर आपका पेज प्रोफाइल में है तो प्रोफाइल में मर्ज होगा तो इस तरह आप कर सकते हैं इसी तरह आप फेसबुक की जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड वाली आईडीज हैं उनको भी एक दूसरे के अंदर मर्ज कर सकते हैं उसका भी ऑप्शन फेसबुक ने दिया हुआ है लेकिन अगर आप एक आई को मर्ज करते हैं ना और दूसरी के अंदर तो उसके सारे के सारे मतलब पेजेस खत्म हो जाएंगे जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें इसने हमें दो बॉक्स दे दिए है इसके अंदर आपने दोनों पेजेस के नाम लिखने हैं ऊपर आपने वो पेज रखना है जिसको आपने मतलब डिलीट करना है खत्म करना है मर्ज करना है नीचे आपने उस पेज का नाम देना है जिसको आपने रखना है ठीक है तो इन दोनों पेजेस का नाम आपने दे देना है जैसे कि मैं अभी इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा ये सारे पेजेस आपके सामने हैं ये सारे पेजेस वो हैं जो कि मेरी इस आईडी के अंदर पड़े हुए हैं ठीक है तो यहाँ पे मैं सर्च करके इनके नाम यहाँ पे लिख लूंगा ठीक है लिखने के बाद अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सा पेज किस तरह सा है तो तो वो भी मैं आपको बता देता हूं कि जब आप इसको यहां पे डालेंगे ना तो उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो दोनों मतलब पेजेस की ना प्रोफाइल पिक आपके सामने आ जाएगी वहां से भी आप वेरीफाइड कर सकते हैं कि कौन सा पेज खत्म होने जा रहा है और किस पेज में ये मर्ज होने जा रहा है तो इसी तरीके से मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ ये देखें ऊपर वाला पेज मैं रखना चाह रहा हूँ और नीचे वाला पेज मैं डिलीट करना चाह रहा हूं ठीक है तो इस तरीके से आपने लिंक पेस्ट कर देने हैं पेस्ट करने के बाद आपने रिक्वेस्ट मर्ज पे क्लिक कर देना है जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पेजेस मर्ज हो जाएंगे बस इतना सा सिंपल सा है, है नुकसान क्या होंगे सबसे पहला है कि इस पे जो आप कर रहे हैं, इसके अंदर जितने भी फॉलोवर होंगे ना ये आपके उस पेज पर ट्रांसफर हो जाएंगे मतलब जैसे मर्ज होगा उसी टाइम में वो सारे के सारे फॉलोअर दूसरे फॉलोअर पर खुद ब खुद ही चले जाएंगे वहां पर फॉलोवर आपके बढ़ जाएंगे दूसरी बात यह है कि अगर आपका एक पेज ख़राब है तो आप उस पेज को इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आप उसको किसी भी पेज में मर्ज करके उसके फॉलोअर को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी वीडियोस पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ ला सकते हैं इसी तरीके से इसका तीसरा बेनिफिट ये है कि आपका पेज बड़ा बन जाएगा आपका पेज रेकमेंड होना स्टार्ट हो जाएगा तो इस तरीके से आप एक पेज को दूसरे पेज में मर्ज कर सकेंगे अब लास्ट में बात करते हैं कि इनके जो नुकसान हैं वो कौन से हैं तो इसके नुकसान दो तीन ही हैं जो कि मतलब जरूरी नहीं है फॉर मतलब एग्जाम्पल आपने एक पेज को किसी पेज में मर्ज करना है और वो पेज मोनोडाइज है तो वो मोनोटाइजेशन ख़त्म हो जाएगी पेज आपका डिलीट हो जाएगा ठीक है मतलब जैसे ही आप मर्ज करेंगे किसी दूसरे पेज में तो जिस पेज को आप मर्ज कर रहे हैं उस पेज के ऊपर कोई भी टूल एक्टिव है चाहे वो इन स्ट्रीम एड से है चाहे एड्स ऑन रील से है या बोनस से है वो ख़त्म हो जाएगा दूसरी बात उस पेज को डिलीट कर दिया जाएगा फेसबुक उसको परमानेंट डिलीट कर देगी आप उसको वापस नहीं ले सकते तीसरी बात ये है कि उसके जितने भी फॉलोअर होंगे चाहे आपने पेड़ लिए हैं चाहे आपने फ्री लिए हैं वो आपके नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे अब वो मतलब मैक्सिमम नहीं जाएंगे सिर्फ वही पेज जाएंगे जो कि एक्टिव है मतलब जो आईडीज डिसेबल हो जाती हैं और उन्होंने किसी भी बंदे को फॉलो किया होता है तो वो वाले फॉलोअर ट्रांसफ़र नहीं होंगे ठीक है उसी तरीके से एक नुकसान ये भी है कि आप इसको किसी भी पेज को क्लाब्रेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते उस पेज को मुकम्मल तौर पे आप लॉन्च कर सकते हैं तो सोच समझ के आपने अपने पेजेस को मर्ज करना है मैं आपको कहूंगा कि जो पेज आपका ख़राब हो चुका है और जिसके ऊपर अच्छे खासे फॉलोअर हैं तो उसको आप मर्ज करके नई कैटेगरी में एड करें ठीक है, है और सेम कैटेगरी की वीडियो उसी पेज पे चलाना स्टार्ट कर दें। तब आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा होप्स आपको पसंद आई होगी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा चैनल पर न तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ तब तक लिए मुझे इजाजत अला हाफिज